नमस्कार एवरीवन. सो टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 13.2 व्हिच इज सिलेंड्रिकल फॉर्म. या सिलेंड्रिकल शेप पर ये बेस्ड है. सिलेंडर का कैसे हम सीएसए फाइंड आउट करेंगे, जैसे हम पीएसए फाइंड आउट करेंगे. सिलेंड्रिकल शेप एग्जांपल हो गया आपका वाटर बॉटल, ठीक है. तो वाटर बॉटल का जो राउंड शेप होता है, दिस सीएसए कर्व सरफेस है. और उसका जो टॉप सर्किट है और जो बॉटम सर्किट है, अगर हम उसको भी इंक्लूड कर दें तो वो टोटल सरफेस एरिया कहलाता है. सीएसए से राउंड एरिया जो होगा वो कहलाएगा, ये कहलाएगा. और अगर हम टॉप और बॉटम दोनों को इंक्लूड कर दें तो पीएसए टोटल सरफेस एरिया होता है. तो सीएसए ऑफ सिलेंडर इज 2πRH एंड सिलेंडर का जो पीएसए होगा, पीएसए ऑफ सिलेंडर इज 2πRH ये वाला पार्ट, देन πr² + y² व्हिच इज 2πr². नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 13.2. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको सिलेंडर का सीएसए गिवन है. सीएसए ऑफ सिलेंडर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड h गिवन है. हाइट गिवन है उसकी 14 सेंटीमीटर. सपोज यहाँ पर इस तरह से फॉर्म है आपका सिलेंडर फॉर्म, और यहाँ पर उसकी हाइट गिवन है h = 14 सेंटीमीटर एंड इसका सीएसए सीएसए गिवन है 88 सेंटीमीटर या मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है. अभी यहाँ पे बोला है कि उसका डायमीटर फाइंड आउट करिए. डायमीटर इज डी, ठीक है. तो डायमीटर का होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डायमीटर, ये आपको फाइंड आउट करना है. तो हमें अगर आर पता पड़ जाए, आर रेडियस ऑफ दी सिलेंडर हमें फाइंड आउट करना चाहे, तो हम 2R करके डी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो वैल्यू क्यों करते हैं सीएसए ऑफ सिलेंडर. अब सीएसए आपको पता है, सीएसए ऑफ सिलेंडर जो होता है वो होता है 2πRH. सीएसए आपको कितना गिवन है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. 2 पाई की वैल्यू होगी 22/7 आर, और एच आपको गिवन है 14, क्लियर. तो अगर हम यहाँ से आर फाइंड आउट कर लेते हैं तो डी हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे. जहाँ पे कॉस मल्टीप्लाई करते हैं 88 मल्टीप्लाई बाय 7 कॉस मल्टीप्लाई को फिर आ जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय 22 फॉर्म 14 इक्वल्स टू आर. क्योंकि हमें आर फाइंड आउट करना है, आर देते हैं हम उसको डबल कर देंगे तो वो डी डायमीटर निकल जाएगा. तो आर की वैल्यू हम देखते हैं 11 टू जो हो गया, 11 कैसा हो गया, ठीक है. 2 4 जा, और यहाँ पर हो जाएगा 7 4 जा 28 अपॉन, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, ये है अपॉन में 2 और ये 14, ठीक है. यहाँ पर अगेन यहाँ पर आपको मिल रहा है, अगर आप देखें 28 upon 28 आर इज 1 सेंटीमीटर. तो डी कितना हो जाएगा, डी इज 2R, डी इज इक्वल टू 2R. तो डी इज इक्वल टू 2 × 1, तो डी इज 2 सेंटीमीटर. तो डायमीटर होगा सिलेंडर का वो होगा आपका 2 सेंटीमीटर. आई होप ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आया होगा. Now question number 2. Question number 2 is a closed cylindrical tank. A closed cylindrical tank. Just suppose अगर आपने देखा होगा उसका वहाँ पे जो पेट्रोलियम के जो टैंक चलते हैं उनके अंदर पेट्रोल होता है, क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक होते हैं. या फिर जो दूध वाला जो टैंक होता है उसमें ऊपर सिर को बंद होता है और दोनों तरफ सिर को क्लोज होता है. तो जैसे क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक, क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक, तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है उसका एरिया. उसको बनाने में इतना शीट वहाँ लगेगा, तो टोटल एरिया क्लोज का मतलब हो गया हमें टॉप और बॉटम दोनों को ही देखना होगा. सीएसए के साथ साथ अगर टॉप और बॉटम अगर हम लेंगे तो वहाँ पे टीएसए टोटल सर्फेस एरिया का हमें यूज करना होगा, वहाँ पे हमें फाइंड आउट करना होगा. यहाँ पे गिवन है हाइट इज 1 मीटर. इस क्लोज सिलेंडर टैंक की जो यहाँ से देखिए यहाँ पर जो हाइट है वो 1 मीटर गिवन है, एंड डायमीटर गिवन है. डायमीटर यहाँ से देखिए यहाँ पर ये डायमीटर, ये गिवन है सेंटीमीटर. सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना होगा मीटर में. फर्स्ट इट्स कन्वर्ट इंटू मीटर. तो हम क्या करेंगे, 140 डिवाइडेड बाय 100 यहाँ पर आ गया 1.4 मीटर, ठीक है. डी यहाँ पर हो गया है डायमीटर, हो गया 1.4 मीटर. या तो क्वेश्चन को हम सेंटीमीटर में करें या फिर मीटर में. नाउ वी विल फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, कितनी शीट इसमें लगेगी. तो क्लोज सिलेंडर टैंक है तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना होगा. तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा क्लोज सिलेंडर टैंक का वो हम यहाँ से निकाल लेंगे. अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं तो कॉमन है 2πr और h प्लस आर. दिस इज द पीएसए ऑफ सिलेंड्रिकल फॉर्म या सिलेंड्रिकल शेप. तो फाइंड ऑल द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला. तो 2 पाई की कोई वैल्यू गिवन नहीं है, 2 बाई 7 की वैल्यू अगर 3
वन को गिवन हो तो हम ऑपरेट करेंगे। अब देखो के आर है तो आर किस तरह से हम आर किस फॉर्म को फाइंड आउट किया जाएगा, या तो आप 1.4 डिवाइड बाय 2 कर दें या फिर आर इज इक्वल्स टू ये डायमीटर है डायमीटर का हाफ कर देंगे तो आपके पास आर माइनस हो जाएगा विच इज 0.7 मीटर। यहाँ पर आ चुका है आपके पास 0.7 मीटर और एच प्लस आर, एच की जो वैल्यू है 1 प्लस अगेन 0.7। अब यहाँ पर ये वैल्यू इसकी कैलकुलेशन आपको करनी होगी, पॉइंट को कैंसिल किया यहाँ पे आ गया, इनको आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको ये 7 से 7 कैंसिल 44 अपॉन 10 और ये हो जाएगा 1.7। तो यहाँ पे आंसर मिलने वाला है विच इज 7.48 मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टू सिलेंड्रिकल टैंक में यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया चाहिए होगा क्योंकि उसको शीट जब हम लगाएंगे तो टॉप और बॉटम भी कवर करना होगा, इट मीन्स टोटल सरफेस एरिया माइंड आउट करना है। बस यहाँ पे इतना ध्यान रखना था कि डायमीटर जो गिवन था वो सेंटीमीटर में था, बस हमने उसको मीटर में कन्वर्ट किया, देन उसका रेडियस फाइंड आउट किया, डायमीटर को हाफ कर देंगे तो रेडियस फाइंड आउट हो गया। Now I take question number 7, which is a 4 cylindrical आपका वो well लिया हुआ है, इस form में जो well होता है वो भी 4 cylindrical form का ही एक example है, which is well, ये कुआं हो गया। तो यहाँ पे जो उसका diameter given है, it is d is 3.5 meter and height of this well is 10 meter, ये now यहाँ पे इसका CA से अंदर की तरफ paint करवाना है, ऊपर से ही open होता है, नीचे से paint नहीं कराना, ऊपर की तरफ paint कराना है। CSA से हम बोला है find CSA of the इसके चार तरफ की दीवारों पर जो CSA है इसमें paint कराने के लिए सबसे पहले उसका area बनाना है, तो CSA निकालना है। First part में CSA of well is 2pi RH होता है, तो यहाँ पर जो values हैं हमारे पास 2π 22/7 R यहाँ पे हो जाएगा diameter का half कर देंगे तो R निकल जाएगा इस तरह से, अगर आप निकालेंगे 3.2.5 का हाफ अलग करते हैं तो ये हो गया रेडियस, ठीक है। एंड एच इज 10, वहां पे आपने पॉइंट बताया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया और यहाँ से कैंसिल कैंसिल हो गया 7.5 का, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 110 मीटर स्क्वायर। सी एस ए ऑफ सर्कुलर वेल जो मिलेगा यहाँ पर जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है वो 110 मीटर स्क्वायर। नाउ सेकंड पार्ट में यहाँ पे कॉस्ट पूछ लो कि उस पर पेंट करवाने का खर्चा कितना आएगा, तो यहाँ पे गिवन है 1 मीटर स्क्वायर पर 40 रुपीज लग रहा है, तो कितने 110 मीटर स्क्वायर में कितना होगा। यहाँ पे सिंपल सा कॉस्ट फाइंड इजीली आप कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ द पेंट यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर पर 40 रुपीज जब हम पे कर रहे हैं तो 110 मीटर स्क्वायर पर 100 मल्टीप्लाई 40 इतने रुपीज हम पे करेंगे, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पे सी एस ए जो अंदर का एरिया था वो हमें फाइंड आउट करना था, दैन उसमें पेंट कराने का जो कॉस्ट पूछी थी, जो खर्चा पूछा था वो आपको फाइंड आउट करना था। आई होप ये क्वेश्चन इज भी समझ में आ गया।